टू माई चैनल फन फ्रॉम फूड। मैं प्रगति पंडित आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी, पंजाबी छोला भटूरा है। चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम एक कप मैंने सूजी लिया है, इसे हम भिगा देते हैं एक कटोरे में। इसे एकदम अच्छी तरह से भिगा देंगे और 10 से 15 मिनट इसे भिगा हुआ रहने देंगे। ये मैंने चने को ओवरनाइट सोक कर लिया था, काबुली चना है जी ऐसे इस तरह की, और इसे मैंने रात को ही मैंने सोक करके रख दिया था। अब इसे हम अब कुकर में बॉईल होने के लिए पहले चढ़ा देते हैं। इसमें अजवाइन डालेंगे हम, दो तेज पत्ता डालेंगे हम, एक दालचीनी डाल रहे हैं, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग डाल रहे हैं, घी डाल रही हूँ मैं। अब इसे हम कुकर का ढक्कन बंद कर एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाला जो मैंने, जिससे हमारा चना अच्छी तरह से पक जाए। पानी गर्म किया सबसे पहले, इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे एक चम्मच और आंवला डालेंगे, इससे हमारे चने में अच्छा कलर आएगा और थोड़ा खट्टापन भी आएगा। आंवले से पत्ती भी डालेंगे हम इसमें, और चाहे तो चाय पत्ती का पोटली बना के कुकर में ही डाल सकते हैं उसे। पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसे हम कुकर में डाल देते हैं। चाय पत्ती के पानी को हम छान के कुकर में डाल देते हैं, जिससे छोले में अच्छा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम छोले में। अब कुकर को हम गैस पे चढ़ा देते हैं और 5 से 6 सीटी होने देंगे। अब हम छोले की तड़के की तैयारी करते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके से मैं इसका तड़का बना रही हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। उनकी कलियाँ डालेंगे हम। सबसे पहले मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है रफली। इसे मैं तड़के में डालूंगी। इसे आप कच्चा पीस के भी तड़का तैयार कर सकते हैं ग्रेवी, लेकिन मैं इसे पहले थोड़ा पका ले रही हूँ प्याज लहसुन को। चलिए हम तेल में डाल देते हैं। बहुत अच्छा बनता है। 3 इंच कटे हुए अदरक भी डालूंगी मैं इसमें। इसे मैं ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए बस, जिससे जल्दी हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हम फ्रेंड्स कच्चे नारियल भी थोड़े डाल रहे हैं, इससे और अच्छे टेस्ट आते हैं छोले में। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। हमारा प्याज भी एकदम पक चुका है। अब इसे हम गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, ठंडा होने का पीस लेंगे। मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, जिसे मैंने पहले से ही छान के रख लिया है। अब मैंने जो पहले सूजी हम लोग ने भिगा के रखा है, और उसे अब हम डालेंगे इसमें। एकदम सूजी एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये, अब इसे हम डाल देते हैं इसमें। डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही। 3 चम्मच मैंने दही लिया है, इसमें पीसी हुई शक्कर, इसके अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका डो हमें एकदम सॉफ्ट नहीं मीडियम सानना है, और इसे हमें एकदम 7-10 मिनट तक हमें अच्छे से सानना पड़ेगा आटे को, जिससे अच्छा डो बनकर ये तैयार हो, इसकी लचक निकल जाए। नहीं तो हम अपना भटूरा जब बनाएंगे तो कहीं से मोटा कहीं से पतला बनेगा फ्रेंड। और जितना हो सके इसे पटक पटक के आटा और अच्छी तरह से सानना है फ्रेंड्स। अब इसमें हम तेल लगाएंगे। देखिए ज़्यादा ये मीडियम डो बन के तैयार हुआ है, न ज़्यादा स्मूथ बना है न ज़्यादा कड़क बना है। तेल से भी हम इसकी अच्छे से लगाएंगे इसमें।
और गूथेंगे तेल लगाने के बाद। एकदम अच्छी तरह से चिकना तैयार हुआ है ये, ऊपर से एकदम सॉफ्ट दिखना चाहिए और अंदर से देखिए ऐसा खुरदुरा दिखना चाहिए, तब समझ जाइए कि आपका आटा एकदम अच्छी तरह से सनकर तैयार हो चुका है भटूरे का। अब इससे हम एक चम्मच तेल डाल के आटे को अब ढक के रख देंगे 30 मिनट से चाहे एक घंटा रखें या 5-6 घंटा रखेंगे तो और अच्छा भटूरा बनेगा। इसमें और तेल लगा के अब इसे हम आटे में तेल लगा के इसे ढककर रख देते हैं सेट होने के लिए। आटे को हम ढककर रख देते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में मैंने तेल 5 से 6 बड़े चम्मच तेल ले लिया है जो अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तड़के में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, मैंने जिसे अच्छे तरह से चॉप कर लिया है। अदरक के थोड़े से लच्छे डाल रही हूँ इसमें। प्याज और नारियल फ्राई करके रखा था उसे मैंने पीस लिया है। लाल मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तीखा लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। पाउडर डाल रही हूँ पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा है। अनारदाना पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें। आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं तो आप सूखा अनारदाना भी पीस के डाल सकते हैं। इसे मैं डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं एक चम्मच लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। पांच टमाटरों का हमें प्यूरी बनाना है फ्रेंड्स। अब प्यूरी हम बना लेते हैं। छोला भी फ्रेंड्स हमारा देखिए पक चुका है एकदम अच्छी तरह से, चेक कर लेते हैं। देखिए छोला एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। हम लोग थोड़ा सा छोला एक कटोरी में निकाल के इसे स्मैश कर लेते हैं जिससे हमारे ग्रेवी में एकदम अच्छा टेक्सचर आएगा। एकदम स्मैश कर लेंगे इसे। हमारा एकदम अच्छी तरह से पक चुका है फ्रेंड्स। मटर की प्यूरी बना के रखी है उसे हम डाल देते हैं इसमें। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। बस हमें टमाटर का खट्टापन निकलने तक इसे हमें पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स मैं तड़के में हल्दी डालना भूल गई थी तो अलग से मैं तड़का करके उसे मसाले में डाल रही हूँ। अब हमारा देखिए मसाला भी एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। हम छोले मसाला डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर हमारे छोले में आया है। छोला मसाला डालेंगे हम मसाले में। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। एक बार आप इस तरह से जरूर छोला मसाला जरूर आप प्लीज इस तरह से एक बार छोला बनाने का जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और जो मैंने स्मैश करके छोले रखे हुए थे अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालेंगे हम डाल देते हैं इसमें। इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरा धनिया डालेंगे। देखिए एकदम छोला कितना अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। देखिए हमारा 5 से 10 मिनट हो चुका है। छोला एकदम बनकर एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम भटूरा तलकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए 1 घंटा हो चुका है हमारे आटे को। इसे और अच्छी तरह से एक बार हम 1 मिनट के लिए सानेंगे। हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से सान लिया है। अब इसकी हम लोइयां बनाते हैं। और तेल को मैंने गरम करने के लिए एकदम चढ़ा दिया है। एकदम गरम तेल में हमें भटूरा तलना है। इसमें हमें आटा नहीं लगाना है डालना है, हमें इसे ऐसे ही बेलना है। हम थोड़ा सा डिप करेंगे
चकले पे लेंगे और हम आटे को बेलेंगे। अब भटूरे को हम एकदम गरम तेल में डालेंगे। देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छा तरह से बन रहा है, फूला एकदम। हम छोला सर्व कर लेते हैं। हरी मिर्च डालेंगे, कुछ अदरक के स्लाइस डालेंगे हम, और थोड़ा हरा धनिया। देखिए फ्रेंड्स हमारा भटूरा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, इसमें जरा भी ऑयल भी नहीं है, ये आप देखिए। तो आई होप मेरा ये छोले भटूरे की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फन फ्रॉम फूड।